not a game, it's a rich thing. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ डॉक्टर शिखा। गाइस अगर आज मैं आपको ये बोलूँ कि मैं आपके लिए चिकन टिक्का की रेसिपी लेकर आई हूँ एंड इससे वेट लॉस भी होगा तो क्या आप मानोगे? मानना पड़ेगा भाई, चिकन टिक्का यूज़ करके हम वेट लॉस भी करेंगे और अगर हम वेट मेंटेन कर रहे हैं तो भी हम इसको खा सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चिकन टिक्का इस तरीके से हम कैसे बना सकते हैं कि हमारा वेट लॉस भी हो और अगर हम वेट मेंटेनेंस पे हैं तो भी हम इसको यूज़ कर सकें। गाइज़ चिकन टिक्का जो है वो हम चिकन ब्रेस्ट से बनाएंगे एंड चिकन ब्रेस्ट जो है ना वो बहुत ही फैबुलस सोर्स है प्रोटीन का। अगर हम 100 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट की बात करें तो उसमें 31 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है एंड अराउंड 3.5 ग्राम्स ऑफ फैट होता है उसमें। तो ये बहुत ही लो इन फैट है एंड हाई इन प्रोटीन है एंड कार्ब्स इसमें बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो ये बहुत ही सुपर्ब डिश है, इसको आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। बट हाँ, आपको थोड़ा पोर्शन कंट्रोल में खाना है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप समवेयर अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी वेजीज के साथ एंड अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो आप अराउंड 200 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ। आपको अगर आप डिनर में इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि सॉल्ट आप बहुत ही मिनिमल इसके अंदर रखिए एंड ब्रेकफास्ट एंड लंच में आप नॉर्मल जैसे सॉल्ट लेते हैं वैसे आप ले सकते हैं एंड बहुत ही कम ऑयल के साथ हम इसको बनाएंगे एंड हम इसको या तो आप ग्रिल पैन के ऊपर बना सकते हैं, तवा के ऊपर बना सकते हैं। हमें अवन बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसको बनाने के लिए, बहुत ही क्विक रेसिपी है, इसको कोई भी बना सकता है कोई भी एंड बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही अमेजिंग एंड टेस्टी बनता है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है इसकी, बहुत ही इजीली बनता है ये। गाइज अगर हम चिकन ब्रेस्ट की बात करें तो ये एक लीन प्रोटीन है। इसके पीछे की साइंस बताती हूँ मैं आपको। लीन प्रोटीन क्या होता है? लीन प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसके अंदर फैट कंटेंट बहुत ही कम होता है। अब चिकन जो है ना उसके हर अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्वांटिटी में प्रोटीन एंड फैट होता है, ये बहुत ही मज़ेदार बात है। अगर आप चिकन ब्रेस्ट खाते हैं तो उसमें अराउंड 31 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है एंड 3.5 ग्राम्स ऑफ फैट होता है। लेकिन यहीं अगर आप थाई पीस खाते हैं या लेग पीस खाते हैं तो उसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी कम होता है एंड फैट कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या वेट मेंटेन कर रहे हैं तो आप चिकन ब्रेस्ट यूज़ करिए एंड चिकन थाई एंड चिकन लेग मत यूज़ करिए। एंड जो चिकन है उसके अंदर ट्रिप्टोफैन करके एक अमाइनो एसिड है जो सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, जो कि एक फील गुड फैक्टर है हमारी बॉडी का। कभी भी हम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं या हमारा मूड ठीक नहीं है, बहुत लो फील कर रहे हैं, उस वक्त पर आप चिकन खाइए एंड देखिए कि कितने अच्छे से आपका मूड एलिवेट हो जाएगा। चिकन बहुत ही अच्छा है वेट लॉस के लिए क्योंकि ये बहुत ही देर तक आपको फुल रखता है, सेशिएटेड रखता है एंड बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर देता है आपको। एंड ये लीन प्रोटीन है एंड मसल बिल्ड करता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से फैट कंटेंट जो आपकी बॉडी का है वो रिड्यूस होता है, इसीलिए आपका ये वेट लॉस में सुपर्ब है। चिकन की अगर हम बात करें तो चिकन विटामिन में बहुत रिच है, विटामिन ए, बी विटामिन, स्पेशली विटामिन B12 की अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी है या आप चाहते हैं कि डेफिशिएंसी ना हो तो चिकन ब्रेस्ट आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपनी डाइट में। इसके अंदर आयरन, जिंक एंड सिलेनियम भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, आपकी बोन्स को स्ट्रेंथन करता है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बहुत अच्छे कंटेंट में होता है एंड ये आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मसल बिल्ड करता है आपकी बॉडी में एंड वॉट नॉट, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं इसकी। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन ब्रेस्ट को ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वेट लॉस के लिए एंड वेट मेंटेनेंस के लिए एंड आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखता है। तो गाइस चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं चिकन टिक्का। चिकन टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम्स बोनलेस चिकन ब्रेस्ट ले लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है एंड इसको बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है मैंने। चिकन टिक्का के लिए दो मैरिनेशन करते हैं हम। अभी हम अपना फर्स्ट मैरिनेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे इसमें हम, लेमन जूस डाल रही हूँ यहाँ पे एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से कोट कर देंगे हम चिकन के ऊपर एंड इसको हम साइड पर रख देंगे अराउंड हाफ एन आवर।
अब अपने सेकेंड मैरिनेशन की प्रिपरेशन कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक बोल ले लिया है, मैं 1 स्पून मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, यहाँ पे सरसों का तेल है ये, थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा कसूरी मेथी है ये ड्राइड फेन्युग्रीक सीड्स, एंड 1 चम्मच यहाँ पे बेसन डाल रही हूँ मैं, थोड़ी सी हंग कर्ड ले रही हूँ, थोड़ा सा लेमन जूस। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, एक बहुत स्मूथ सा पेस्ट बना देंगे हम। ये सेकेंड मैरिनेट रेडी है हमारा बिल्कुल। अब इसमें जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था वो डाल देंगे एंड बहुत अच्छे से कोट कर देंगे चिकन को इस मैरिनेट के साथ, हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको एटलीस्ट 1 आवर के लिए हम छोड़ देंगे मैरिनेट करके, या फिर हम ओवरनाइट भी इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अब आफ्टर 1 आवर मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, ग्रिल पैन है ये, आप नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं। उसके ऊपर मैं बिल्कुल थोड़ा सा सिर्फ 1 स्पून यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ एंड ये चिकन पीसेस हैं, इसको हम ग्रिल पैन पे रख देंगे। फ्लेम बिल्कुल हाई पर है, अब अराउंड 1 मिनट हुआ है इसको कुक होते हुए, इसको टर्न कर देंगे हम। गैस अभी हाई फ्लेम पर है, चिकन अभी कुक नहीं हुआ है अंदर से, सिर्फ ऊपर से कुक हुआ है। जैसे ही सारा चिकन हम टर्न कर देंगे, गैस हम यहाँ पर लो पर कर देंगे, फ्लेम अपनी लो पर कर देंगे ताकि चिकन अच्छे से अंदर से कुक हो जाए एंड अराउंड 15 to 20 मिनट्स फिर हम इसको कुक करेंगे। अब गैस हमने लो पर कर दी एंड ये अराउंड 15 मिनट्स हो गए हैं, चिकन हमारा बिल्कुल कुक हो गया है अंदर तक। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए, इसको सर्व कर देते हैं हम। अगर आप इस तरीके से चिकन पकाएंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट कुक होगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। इसको सर्व कर देते हैं हम। इसको मैं अनियंस एंड घर की बनी हुई ग्रीन चटनी जो मैंने कोरिएंडर एंड मिंट से बनाई है उसके साथ सर्व करूंगी। आप इसके ऊपर लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं, ये इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस कर देगा। एंड ये है हमारी कोरिएंडर मिंट चटनी। लुक एट दिस गाइस, इजंट इट माउथ वाटरिंग, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये वेट लॉस के लिए सुपर्ब है। Look at this, it is so beautiful, irresistible, it is very very yummy. आप इसको जरूर बना के ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा, guaranteed. तो गाइज आई होप आपको मेरी चिकन टिक्का की रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है ये, गारंटीड है, एंड आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर में किसी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसके साथ वेजिटेबल्स ज़रूर लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा जब आप इसके साथ वेजिटेबल्स लेंगे, क्योंकि वो अलग से एक सोर्स ऑफ विटामिंस एंड मिनरल्स हो जाता है आपके लिए, तो उसको भी आप ज़रूर इंक्लूड करिए। अगर आप 150 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट लेते हैं तो उसमें अराउंड 250 कैलोरीज के आसपास होंगी। तो आप मुझसे पूछते हैं बहुत सारे लोग कि कितनी कैलोरीज हैं, आप इसमें ज़रूर मेंशन करिए, तो ये हैं इसकी कैलोरीज एंड आप इसको ज़रूर बनाइए। और अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इसको अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करिए। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब एंड उसके साथ में जो बेल बटन है उसको भी
जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि मेरी सारी आगे आने वाली वीडियोस आपको ज़रूर मिलती रहें और कोई भी मेरी वीडियो आप मिस नहीं करें। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करिए, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। गाइज मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड मेरे चैनल को देखते रहिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड गाइज, बाय।